कहीं भी जाएंगे तो खाने पीने का तो टेंशन नहीं है, लोग खिला ही देंगे। बस दिल में होना चाहिए, जिगर होना चाहिए जाने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सब चीज रास्ता मिलता है, ऊपर वाला का देन है, सब मिल जाएगा। आप लोग भी लाइफ में कहीं जाना चाहते हो गाइस तो आप लोग भी जा सकते हैं। बेशक इंसान मतलब रास्ते में ऐसे ऐसे मिलेंगे ना कि सपोर्ट करने के लिए सब चीज मिल जाता है। आप लोग को बता देते हैं, जितना भी हम लोग का खाने पीने का खर्चा होता है ना, वो तो दूसरों को ही दे देता है, हम लोग का एक और रुपया खर्चा नहीं हो रहा है। सच बता रहे हैं, झूठ बोल के फायदा नहीं है गैस, आवाज डबल है। तो चलिए आगे निकलते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं रिंकू बेटा झारखंड मनोहरपुर से अयोध्या साइकिल यात्रा कर रहा हूँ और रास्ता में हम लोग को बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। ये जो देख रहे हैं, ये भैया लोग ही पोस्टर बनवा दिए हम लोग के लिए, और एक भैया हम लोग को ये तिल का डब्बा पूरा दे दिए रास्ते में छेके, और हम लोग को बोल रहे हैं कि ले तिल देते हैं। बोला हमको लगा दो चार तो खाने के लिए देंगे, पूरा डब्बा दे दिए और बहुत कुछ भैया लोग सपोर्ट किए रास्ता में। और हम लोग को आज 11 बजे जैसे निकलने दिए, जहाँ ठहरे थे हम लोग डाल्टनगंज में, वहाँ से उसके बाद थोड़ा दूर आए, फिर हम लोग अभी नहाए, यहाँ पे जस्ट नहाए, कपड़ा उपड़ा धोए, फिर अभी निकलने वाले हैं। खाना उना भी नहीं खाए हैं, 1 बज के पार हो गया है और मेरा चिल्ला चिल्ला के जय श्री राम बोल बोल के मेरा गला खराब हो गया है गैस। तो चलिए गैस चलते हैं आगे में, होटल में कुछ खाना उना खा लेंगे, फिर आगे का जर्नी शुरू करेंगे। आज कितना दूर जा पाएंगे पता नहीं, लेकिन आज ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगे, तो चलिए निकलते। सो गाइस फाइनली हम लोग अभी औरंगाबाद वाला मेन रोड को पकड़े हैं, जो कि देख सकते हैं ये अयोध्या साइकिल यात्रा मेरा ये चौथा दिन है और 2 बज गया अभी और हम लोग अभी तक खाना नहीं खाए हैं। तो आगे में होटल मिलेगा तो खाना उना खाएंगे गाइस, और आवाज पूरा दब गया है अपना। सो गाइस फाइनली खाना उना खा के फुल पावर फुल जोश में अभी निकल रहे औरंगाबाद औरंगाबाद वाला रास्ता में, मेन रोड में। तो चलिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और मेरा आवाज पूरा दब गया है, साला आवाजे नहीं आ रहा है, मेरा हालत खराब हो गया है, आवाज खाली, मेरा पावर वावर सब वही है, सिर्फ मेरा आवाज दब गया है। तो प्यार से बोलिए जय श्री राम। भक्ति रस पीता। तो गाइस घाटी देख सकते हैं बहुत लंबा है, पीछे में भी है, ये धक्का मारते हुए जा रहे हैं। आप देखते हैं ऊपर चढ़ने के बाद में, लेकिन उधर उतरा है, पूरा मस्ती के साथ में जाएंगे। फिलहाल थोड़ा मुश्किल है चढ़ना, और पावर और जोश क्या ही बताएं, आवाज में पूरा दम, पूरा मतलब आवाज मार खा गया है, बाद बाकी पावर और एनर्जी और जोश तो वही है, खाली आवाज में मार खाया है। तो आप लोग को लगता होगा रिंकू भाई का जोश खत्म हो गया बोलिएगा, तो गलत बात है, जोश और जुनून वही है, बस आवाज यही थोड़ा दबल है, देखते हैं भी ठीक हो जाएगा, लेकिन टेंशन लेना नहीं है। जय श्री राम ऐसे ही बोल बोल के मेरा आवाज ऐसे हो गया है। तो चलिए आगे निकलते हैं। सो गाइस आज का सीन ये है कि हर 2-3 किलोमीटर में हम लोग को रोका जा रहा है, फिर चाय पी लो, समोसा खा लो, ये सब मतलब बहुत ऐसे खाने पीने के लिए मिला राम जी की कृपा से। तो इसमें से हमको ये समझ में आया कि जिंदगी में कहीं भी जाएंगे तो खाने पीने का तो टेंशन नहीं है, लोग खिला ही देंगे। बस दिल में होना चाहिए, जिगर होना चाहिए जाने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सब चीज रास्ता मिलता है, ऊपर वाला का देन है, सब मिल जाएगा। आप लोग भी लाइफ में कहीं जाना चाहते हो गाइस तो आप लोग भी जा सकते हैं। बेशक इंसान मतलब रास्ते में ऐसे ऐसे मिलेंगे ना कि सपोर्ट करने के लिए सब चीज मिल जाता है। आप लोग को बता देते हैं, जितना भी हम लोग का खाने पीने का खर्चा होता है ना, वो तो दूसरों को ही दे देता है, हम लोग का एक और रुपया खर्चा नहीं हो रहा है। सच बता रहे हैं, झूठ बोल के फायदा नहीं है गैस, आवाज डबल है। तो चलिए आगे निकलते हैं। सो गैस हम लोग काफी दूर आ चुके हैं और थोड़ा ठंडा लगने शुरू हो गया, तो हम लोग पहन लिए। और एक बात बता देते हैं, रास्ता में देख पानी एक हम लोग का दीदी जी दे दिए दुकान वाला का, और बिस्किट भी दिए थे 2 खा लिए उसको। ये टोपी पहन के आ रहे थे, उसके बावजूद भी
ये टोपी और एक दिया मेरा। इसको भी टोपी दिया एक भैया, तो समझ सकते हैं मतलब रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, पूरा फुल सपोर्ट का भाई, बहुत पूरा फुल सपोर्ट। तो काफी मजा आ रहा है, आवाज डाउन है खाली फिर भी ऐसे चिल्लाते हैं तो जोश और पावर आता है। और आप लोग को आज बता देते हैं, बहुत कम आज दूर सफर किए हैं, बहुत कम। आदमी नॉर्मल पैदल चलता है तो जितना सफर करता है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा। चलिए इसको मद्देनजर रखते हुए आगे का बात कंटिन्यू करते हैं। आदमी पैदल में चलता है जितना, उससे थोड़ा मोड़ा ज्यादा दूर हम लोग चले हैं। बताएंगे तो हम लोग को खुद शर्म लगेगा, इसलिए नहीं बताते हैं, चलते हैं आगे। चलिए छतरपुर, छतरपुर में रुकना है जरा आपको का भाई, और लोगों का सपोर्ट और प्यार देख के भाई देख के इमोशनल हो जाता है, रोने को चल जाते हैं बोलता है, और बहुत सपोर्ट करता है। हर एक दो चार किलोमीटर में कोई ना कोई रोकता है और बोलता है जो खाना है खा लो बोलता है। चलिए निकलते हैं। फाइनली हम लोग औरंगाबाद वाला हाईवे पकड़ने वाले, ये देख सकते हैं ये डबल रोड औरंगाबाद 58 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलिए चलते हैं, जहाँ तक हो सके आज का सफर वहाँ तक चलना है। टारगेट तो छतरपुर तक पहुँचना है। तो चलिए मेरा ना अभी यहाँ कटने वाला था, क्यों कटने वाला था बता रहे हैं, बच्चे लोग पतंग उड़ा रहे थे उसका डोर यहाँ पर लगने वाला, 5-6 मीटर आगे बढ़ गए थे इसे चलती है मैं, लेकिन नहीं कटा राम जी की कृपा से। तो चलिए चलते हैं, बहुत ही मजा आ रहा है ये NH रोड, हाईवे रोड में चलाने का मजा ही कुछ और आएगा, इसे क्या बताए, बहुत मजा आ रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई लोग पीछे में जोश दे रहे थे। सो फ्रेंड्स, हम लोग हैं अभी छतरपुर जिला में, जो कि यहाँ के बजरंग दल वाला लोग ने हम लोग का बहुत ही खातिरदारी किया, बहुत ही स्वागत किया। देख सकते हैं भगवा कलर का गमछा दिया था, कल भी दिया था और आज भी दिया, और सोने के लिए पूरा आज का पूरा हम लोग का है, यहाँ से लेके वहाँ तक हम लोग का है। और काफ़ी अच्छा लगा, खाने पीने के लिए पूरा रास्ता भर में खाने पीने मिलता है, और बाहर का नज़ारा कुछ इस टाइप से देख सकते हैं, हॉल है ये। ओ काफ़ी सपोर्ट और प्यार मिल रहा है जय श्री राम जी का वजह से, और हम लोग अयोध्या और 4 से 5 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं, और मेरा चिल्ला चिल्ला के जय श्री राम चिल्ला चिल्ला के मेरा गाला दब गया है, फिर भी बोलते हैं। मिलते हैं कल, कल का एक नया ब्लॉग वीडियो के साथ में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।